रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का कांग्रेस पर हमला। बिरनपुर हिंसा पर बीजेपी नेताओं को मिले नोटिस पर उन्होंने बयान दिया, कहा कुछ अधिकारी सरकार की चापलूसी में लगे हैं, अधिकारियों के केंद्र से शिकायत करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि चापलूस अधिकारियों की संपत्ति जांच की मांग भी यहां पे वो करेंगे। तो बिरनपुर हिंसा पर बीजेपी नेताओं को मिले नोटिस पर मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी सरकार की चापलूसी में लगे हैं, अधिकारियों की केंद्र से करेंगे शिकायत। सरकार की चापलूसी में लगे हुए हैं और आने वाले समय पर हम केंद्र की सरकार को पत्र लिखेंगे कि ऐसे अधिकारी जो पैसा कमाने के लिए सरकार की चापलूसी में लगे हैं, ऐसे अधिकारियों की संपत्ति की जांच करवाई जाए। चलिए खबर रायपुर से, जहां धर्मांतरण पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कुछ लोग गुमराह कर धर्मांतरण कराते हैं, पादरी अब गेरुआ रंग के कपड़े पहन रहे हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल का यह कहना अब पास्टर की जगह स्वामी लिख रहे हैं। तो धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ में बयानबाजी तेज हो गई है, ब्रजमोहन अग्रवाल का इस पर बयान, कुछ लोग गुमराह कर धर्मांतरण कराते हैं, पादरी अब गेरुआ रंग के कपड़े पहनने लगे हैं। जो मिशनरीज हैं वो आदिवासियों को बरगला कर, अब तो उन्होंने छद्म, अब जो पादरी हैं वो गेरुए वस्त्र पहनने लगे, अब वो अपने साथ में पास्टर की बजाय स्वामी लिखने लगे।